महाभारत खेल भागे 133वां अध्याय त्रिपुर वध की कथा। जनमेजय ने पूछा, ब्राह्मण दैत्यों के जो आकाश में विचरने वाले तीन पुर थे, उनका त्रिनेत्रधारी महादेव जी के हाथ से किस प्रकार वध हुआ, इस प्रसंग को मैं ठीक ठीक संक्षेप में सुनना चाहता हूं। विषमबायन जी ने कहा, राजन जो समस्त प्राणियों के विरोधी थे, उन बाहुबलशाली दैत्यों का भगवान शंकर के हाथ किस प्रकार निधन हुआ, ये जो तुम मुझसे पूछते हो, ये सारा प्रसंग विस्तार पूर्वक सुनो। पूर्व काल में संपूर्ण प्राणियों के वध की इच्छा वाले उन असुरेंद्रों का वध भगवान शिव ने अपने सीधे जाने वाले तीन शूरों द्वारा किया था। नर व्याघ्र वे तीनों पुर बहुमूल्य एवं महान धातुओं से निर्मित हुए थे। वे आकाश में उमड़े हुए मेघ समूह की भांति प्रकट होकर के सर्वत्र विचरते थे। स्वर निर्मित ऊंचे विशाल एवं प्रकाशमान परकोटे से उद्दीप्त होने वाली मणियों से तथा सर्वरत्न में फाटकों से वे तीन पुर आकाश मंडल में चमकते रहते थे। वे अपनी उत्कृष्ट प्रभा से प्रज्वलित हो रहे थे। तपस्या रूपी कर्म से साधित हुए वे भयंकर पुर गंधर्वों के नगर से जान पड़ते थे। बल के अभिमान से युक्त पंख वाले घोड़े सूर्य से भी अधिक प्रकाशमान उस पुर को इच्छा के अनुसार बढ़ने वाले मन के तुल्य वेग से धोया करते थे। सारी प्राण शक्ति लगा करके संचित किए गए बल विक्रम से जब वे घोड़े हिनहिनाते हुए दौड़ते थे, उस समय उनके काली टापों से आकाश आहूत होता सा प्रतीत होता था। जिन्होंने तपस्या से सारे पापों को दग्ध कर दिया था तथा जो अग्नि के समान तेजस्वी थे, वे आत्मज्ञानी महर्षि ही अपने नेत्रों द्वारा उन असुरों को देख पाते थे। वे वायु के समान वेग से समूचे आकाश को अपना ग्रास बनाते हुए से जान पड़ते थे। उन पुरों में प्रायः गीत और वाद्य के समारोह होते रहते थे। वे गंधर्व नगर के समान प्रतीत होते थे। विचित्र आयुधों से भरे हुए तपाए हुए स्वर्ण के समान कांतिमान तथा विविध अलंकारों से अलंकित बहुसंख्यक ऊंचे भवन जो देवराज इंद्र के भवन की भांति शोभित होते थे, उन महातेजस्वी पुरों की शोभा बढ़ाते थे। कैलाश के श्रृंगों की भांति प्रकाशित होने वाले बड़े बड़े प्रसाद शिखरों से युक्त दैत्यों का वह नगर अनेक सूर्यों से प्रकाशित आकाश के समान सुशोभित होता था। महाराज बड़ी बड़ी अट्टलिकाओं से संपन्न तपाए हुए स्वर्ण के समान कांतिमान तथा तेज से प्रदीप्त सा वह दैत्य नगर बड़ी शोभा पाता था। वहां गर्जना और कोलाहल अधिक होते थे। वह नगर वीरों के सिंह नाद से गूंजता रहता था। मनोहर स्त्री पुरुषों से भरा होने के कारण वह चित्ररथ नामक वन के समान शोभित होता था। राजन ऊंची ऊंची पताकाओं से शोभित तथा चमचमाती हुई तलवारों से प्रकाशित वह त्रिपुर नामक नगर आकाश में विशाल विद्युत के समान उद्भासित होता था। भारत उस नगर में दैत्यराज सूर्यनाभ चंद्रनाभ तथा अन्य महापरकर्मी बल अभिमानी दानव रहते थे। भारत वे अभिमान से मोहित होकर के ब्रह्मा जी के बनाए हुए देवयान और पितृयान मार्ग को तोड़ने फोड़ने एवं नष्ट करने लगे। प्रोसिंग भरतवंश शिरोमणि इस प्रकार हाथ में धनुष लेकर के उन श्रेष्ठ असुरों और दानवों ने जब अग्नि बल से युक्त देवयान और पितरों के बल से युक्त पितृयान नामक महामार्ग का अपहरण कर लिया, तब समस्त देवगण ब्रह्मा जी के पास दौड़े गए। उनका मुख उदास हो गया था। वे दोनों मार्गों के नष्ट होने से गमन कर्म का उच्छेद हो जाने के कारण अत्यंत विवर्ण अर्थात शोक आकुल हो रहे थे।
वे ब्रह्मा जी के सामने खड़े होकर के आतनाद युक्त स्वर से बोले, देवताओं को भाग देने वाले पिता में शत्रुगण हमारे यज्ञ भाग का उच्छेद करके हमें मार रहे हैं। वक्ताओं में श्रेष्ठ, उन दैत्यों के वध का कोई उपाय बताइए, जिसे जान करके हम बाहुबलशाली देवता समर में शत्रुओं को पीड़ित कर सकें। तब वरदायक ब्रह्मा जी ने उन देवगणों को सांत्वना देकर के उनसे कहा, देवताओं तुम सब लोग शत्रुओं से बदला लेने का उत्तम उपाय सुनो। मैं समस्त दानव अविनाशी भगवान शंकर के सिवा दूसरे के लिए अवध्य है। भरत नंदन उसके उस वचन को मन और वाणी द्वारा स्वीकार करके सब देवता रुद्रगणों के साथ पृथ्वी पर आए। वे विंध्य और मेरु पर्वत की तलेटी में तथा भूतल के मध्य भाग में उग्र तपस्या करते हुए सबके सब योग्यज्ञ मुनि हो गए और ब्रह्म संहिता प्रणव का जप करते हुए कश्यप नंदन हर की शरण में गए। उनके लिए जन समुदाय में प्राय स्त्रियां बंध निष्फल अर्थात मोह उत्पन्न करने में असमर्थ थी। वे कुश की चटाई बिछा करके उसी पर सोते थे। तांबा और लोहा ही उनका आभूषण था। कुरुश्रेष्ठ, स्वयं मरे हुए वनचारी काले मृगों के शिरों से उद्धेड़ करके लिए गए सुंदर और कोमल मृग चरम एवं बाघांबर ही उनके पहनने के वस्त्र थे। व्याघ्र चरम धारण करके माया से अपने को छिपा करके समस्त देवता आकाश मार्ग का आश्रय लेकर के भगवान शंकर के धाम में जा पहुंचे और उन भगवान विश्वनाथ हर को प्रणाम करके स्पष्ट शब्दों में उनसे बोले, भगवान आपने हमारी ओर से मुंह फेर लिया है, इसलिए जैसे राख से ढकी हुई आग में अज्ञानवश दी हुई आहुति निष्फल हो जाती है, उसी प्रकार हमें मिला हुआ वरदान व्यर्थ हो गया है। अतः देवादिदेव ब्रह्मा जी ने आकाशचारी देवताओं के समीप जो बात कही थी उसके उस वचन का आप देश काल के अनुसार पालन करें। इस प्रकार देवताओं के कहने से तथा भावी कार्य के प्रभाव से प्रेरित होकर के इंद्र आदि देवताओं के साथ महादेव जी कवच बांध करके युद्ध के लिए तैयार हो गए। वे सबके सब कवच और अलंकार धारण करके स्वर्ण किसी कांति से प्रकाशित होकर के सूर्य के मार्ग का आश्रय लेकर के प्रज्वलित अग्नियों के समान उद्भासित होने लगे। महादेव जी के साथ कवच बांध करके युद्ध कुशल समस्त रुद्रगण अपने तेज से शत्रुओं को धक से करने लगे। वे परतों के समान ऊंचे दिखाई देते थे। दानों का अंत करने की इच्छा वाले वे सभी महात्मा बलवान तथा इच्छानुसार रूप धारण करने वाले थे। वे अपने विश्व में शरीर से कवच बांध करके युद्ध के लिए तैयार हो गए। कुबेर सहित इन समस्त देवताओं द्वारा सब ओर से घिरे हुए त्रिनेत्रधारी महादेव ने धनुष बाण लेकर के त्रिपुर वासियों के साथ युद्ध आरंभ कर दिया। तदंतर जैसे नगर की अट्टालिका पर चढ़े हुए लोग गिरते हों उसी प्रकार वे त्रिपुरवासी दैत्यगण अपने शीरों के विदीर्ण हो जाने से देह रहित होकर के जीर्ण शीर्ण हुए परतों के समान उस नगर से नीचे गिरने लगे। नरेश्वर, सम्रांगन में आई हुई दैत्य समूह अत्यंत घायल और शत विशत होकर के वज्र के मारे हुए परतों के समान धाराशायी होने लगे। देवताओं के खड्गों शक्तियों चक्रों फरसों और वाणी से युद्ध स्थल में मारे गए उन दैत्य राजों के मर्म विदीर्ण हो गए और वे पंख कटे हुए परतों के समान एक साथ ही पृथ्वी पर गिर पड़े। देवताओं के बढ़ते हुए तेज से दग्ध होकर के वे दैत्य वहां अपनी शुद्ध बुद्ध खोने लगे। इस प्रकार वे देवता और दैत्य एक दूसरे को बाधा देते हुए युद्ध रूपी शय कर्म से क्षीण होने लगे। दैत्यों के दोनों नेत्रों से तथा दिव्य दृष्टि से देखने पर भी उस समय देवता उनकी पकड़ में नहीं आते थे। सूर्य के अस्त हो जाने पर
प्रदोष काल में सबल हुए दैत्य के आक्रमण से उन द्वेषरों के मुख छिन्न भिन्न एवं शत विशत हो गए तथा वे पृथ्वी पर गिर पड़े। रात में अपने तीखे बाणों से विजय को प्राप्त हुए दैत्यगण महान सिंह नाद करते हुए जोर जोर से गर्जना करने वाले मेघों की भांति बड़ा भारी कोलाहल मचाने लगे। विजय की प्राप्ति से उत्साहित हुए वे असुर आपस में कहने लगे, संग्राम में विजय की इच्छा रखने वाले समस्त देवताओं को हम बलवान दैत्यों ने संगठित होकर के त्रास खड़ग और तोमरों से भयभीत कर दिया। शुक्राचार्य के हविष्य से सजग एवं बल संपन्न हुए विजय दैत्य शिरोमणि सम्रांगण में आयुद्धों सहित बड़ी शोभा पा रहे थे। तब वर्ष में भरे हुए उन दैत्य को अपने तेज से दग्ध से करते हुए भगवान शंकर समस्त देवताओं के साथ रथ पर बैठ करके गर्जना करने लगे, जैसे युगांत काल आने पर अंशुमाली सूर्य संपूर्ण लोगों को दग्ध करने लगते हैं तथा परले उपस्थित होने पर भूतनाथ भगवान रुद्र संपूर्ण भूतों का संहार कर डालते हैं, उसी प्रकार वे अपने तेज से दैत्यों को दग्ध करने लगे। मन के समान वेगशाली और शीघ्रगामी घोड़ों के द्वारा खींचा जाता हुआ वह रथ आकाश के मध्य भाग में पहुंच करके विद्युत सहित मेघ की भांति प्रकाशित होने लगा। भरत नंदन नरेश ध्वज के अग्र भाग में गरजते हुए वृषभ से उपलक्षित होने वाला वह रथ इंद्र धनुष सहित मेघ के समान शोभा पाने लगा। तंतर आकाश में उपस्थित हुए सिद्धों ने सबके पूर्वज त्रिनेत्रधारी भगवान ऋषभ ध्वज का उनके परम पित्र पूर्व कर्म का उल्लेख करते हुए स्तवन किया। तपस्या से शांति को प्राप्त हुए सत्यव्रत प्राण ऋषियों अमृत भोजी देव समूहों तथा गंधर्वों और अप्सराओं ने भी गंधर्व स्वरों से उनकी स्तुति की। पितृ संबंधी दूसरे स्थान पर खड़े हुए सौम्य स्वभाव वाले देवताओं के मुख पर महान हर्ष छा रहा था। तंत्र पर कोटे और अटल्लिकाओं से युक्त सैकड़ों शतघनियों अर्थात तोपों से व्याप्त तथा समस्त प्राणियों के लिए भयंकर उस दैत्य नगर के मध्य भाग में खड़े हुए देववैरी दैत्यों और दानवों ने सब ओर से तीखे अग्रभाग वाले बाणों की वर्षा आरम्भ कर दी। वे युद्ध कुशल दानव शतघ्नियों भल्लों और शूरों से चोट करते हुए महान प्रक्रम प्रकट कर रहे थे। उन्होंने गदाओं से गदाएं तोड़ डाली, भल्लों से भल्ल काट दिए, अस्त्रों से अस्त्रों को बाधा पहुंचाई और मायाओं को मायाओं से ही शांत कर दिया। तंत्र दूसरे दैत्यों ने शस्त्रों बाणों शक्तियों फरसों और महाभयंकर अशनियों को उठा करके देवताओं पर चलाया। उनके माया निर्मित खड्गों और बाण वर्षाओं से आहत होते हुए देवता मृत्यु के पथ पर खड़े थे और गंधर्व नगर के समान आकार वाला महादेव जी का वह रथ उनके साथ ही बड़े संकट में पड़ गया। उन असुरों के प्रासों खड्गों बाणों और तोमरों की मार खा करके तथा दैत्यों के भार सहन करने में समर्थ भारी विचित्र बहुसंख्यक अस्त्र शस्त्रों से पीड़ित होकर के शचीपति इंद्र जहां के तहां खड़े रह गए। पृथ्वीनाथ भरतनंदन इसी बीच में ब्रह्मा जी के पुत्र रूप महेशियों का दिव्य शब्द प्रकट हुआ। ये आगे चलने वाला भगवान शंकर जी का रथ भूमि पर प्रतिष्ठित हो रहा है। ये अजय होकर भी सब लोगों को के देखते देखते जीतने योग्य हो गया। रथ में श्रेष्ठ भगवान शंकर के उस रथ के पृथ्वी पर गिरते ही समस्त प्राणी भूतल पर आ गिरे। परतों के शिखर हिलने लगे, बड़े बड़े वृक्ष झोंके खाने लगे, समुद्रों में तूफान आ गया और दस दिशाएं श्रीहीन हो गई। वहां जो वृद्ध ब्राह्मण थे वे उस परम उत्तम मंत्र का जप करने लगे जो सर्वत्र विजय चाहने वाले पुरुषों के लिए ब्रह्म में तेज स्वरूप है।
वह तेज इस लोक और परलोक में भी समस्त प्राणियों को शांति प्रदान करने वाला है। भारत, तंत्र उस तेज स्वरूप महायोगी विष्णु ने सब और दृष्टि डाल करके अपने आप ही मन को एकाग्र करके योग बल से वृक्ष रूप धर्म के स्वरूप का आश्रम लेकर आश्रय लेकर के ब्रह्म भूत रथंतर साम के द्वारा महादेव जी के उस उत्तम रथ को ऊपर उठाया। उसमें वे विष्णुदेव अपने महात्म त्रिनेत्रधारी शिव के इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले संपूर्ण बलवान देवताओं के तथा निर्जन वन में वास करने वाले तपोबल संपन्न महर्षियों के तेज से प्रकाशित हो रहे थे। संपूर्ण बाल पुरुष से संपन्न देवता जिन पर आरूढ़ थे उस उत्तम रथ को अपने दोनों सींगों से उठा करके वे महाबली श्री हरि मथे जाते हुए समुद्र की भांति पूरी प्राण शक्ति से गर्जना करने लगे। दो सींगों से युक्त वृषभ रूपधारी भगवान विष्णु तृतीय वायु के स्थान में पहुंच करके पूर्णिमा के समुद्र की भांति जोर जोर से गर्जना करने लगे। तब उस गर्जना से भयभीत होकर के वे महाबली रण दुर्मद दैत्य कवच बांध करके पुनः युद्ध करने लगे। वे सब के सब बाहु बलशाली और समर्थ बल पुरुष से संपन्न थे। उन्होंने धनुष लेकर के देवताओं को सेना का मर्दन करना आरंभ किया। तब अविनाशी शिव ने अपने धनुष पर सुंदर पंख वाले और तीखे अग्नि तुल्य तेजस्वी बाण को रख करके उसे ब्रह्म अस्त्र से संतुष्ट किया। फिर उस ब्रह्म दंड को उस त्रिपुर संज्ञक दैत्य नगर पर छोड़ दिया। भरत नंदन, भगवान शिव ने मन ही मन उस बाण का सत्य ब्रह्म योग तथा उग्र तपस्या द्वारा बलपूर्वक तीन रूपों में संधान करके उस दैत्य नगर पर ऐसे बाण छोड़े जो सबके प्राण हार लेने वाले थे। वे बाण उद्दीप्त स्वर्ण किसी कांति वाले स्वर्ण में और अत्यंत निर्मल थे। विशाले सर्पों के समान उन श्रेष्ठ एवं भयंकर बाणों को छोड़ करके तीन प्रज्वलित एवं वेगशाली बाणों द्वारा उस दैत्य नगर को विदीर्ण कर दिया। भरत नंदन, नरेश्वर, बाणों के आघात से जलते हुए गोपुर विंध्य पर्वत के शिखरों के समान उन तीनों पुरों सहित भस्म होकर के बिखर गए। अग्नि से जल करके भीतर आग छिपाए हुए वे तीनों पुर पृथ्वी पर गिर पड़े। नरेश्वर, पर्वत शिखरों के समान वे विदुर्य वरण वाले नगर भगवान शंकर के ब्रह्म अस्त्र से दग्ध होकर के नीचे गिर पड़े। त्रिपुर के नष्ट हो जाने पर देवताओं ने बड़े हर्ष से ये बात कही, पुरुषोत्तम, आप इस संपूर्ण बड़े हुए शत्रुओं को नष्ट कीजिए। इस प्रकार उस समय योग बल से संपन्न एवं मुस्कुराते हुए महायोगी विष्णु ही को कि ही ब्रह्मातुल्य ऋषियों ने, भगवान शंकर ने तथा बल पुरुष से समस्त संपन्न ब्रह्मा जी सहित देवताओं ने स्तुति की। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल बाघ हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में त्रिपुरवत विषयक 133वां अध्याय पूर्ण हुआ।